हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पजल्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैरेक्टर को स्टोर कैसे करते हैं, इन कैरेक्टर को प्रिंट कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि भाई कैरेक्टर्स होता क्या है, तो चलो उन्हें स्टोर करना देख लेते हैं। सी में कोडिंग करना है, राइट? तो फिर मैंने पहले से कुछ लाइनें लिख रखी हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि कैरेक्टर होता क्या है, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था कि, बट फिर भी एक बार छोटे से मैं देख लूँ। नाउ अ कैरेक्टर इज एनी थिंग विच इज इन्क्लोज विद इन अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आप कुछ भी लिख दो, एक चीज़ें बेसिकली लिखो, तो फिर वो एक कैरेक्टर कंसिडर किया जाएंगे। अगर आप सिंगल इन्वर्टेड के अंदर दो तीन चीज़ें लिख देते हो, तो फिर यहाँ पर बेसिकली ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो गए। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर मैं लिख दूँ स्पेशल कोई सिंबल, तो फिर ये कैरेक्टर कंसिडर किया जाएगा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर मैं लिख दूँ डिजिट, तो ये भी कैरेक्टर कंसिडर किया जाएगा। तो चलो देखते हैं भाई स्टोर कैसे करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको मैं कहूँ इंटीजर स्टोर करना है, तो आप क्या लिखोगे? इंट ए इज इक्वल टू 90। सिमिलर टू दिस आपको कैरेक्टर के लिए भी करना पड़ेगा। इंट की जगह आपको लिखना पड़ेगा कैर, उसके बाद वेरिएबल लिखो, उसके बाद इज इक्वल टू डालो, एंड उसके बाद वो कैरेक्टर जो आपको स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल मुझे स्टोर करना है एट द रेट, बट क्या मैं एट द रेट ऐसे लिखूंगा तो स्टोर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, मुझे इसको इनक्लोज करना पड़ेगा विद इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अब जाके एट द रेट स्टोर हुआ बी में। चलो ये कैरेक्टर और स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कैर सी इज इक्वल टू लेट्स से 1। तो चलो यहाँ पर सी में 1 स्टोर हो गया। नाउ 1 इज स्टोर्ड एज अ कैरेक्टर, नॉट एज एन इंटीजर, राइट? क्योंकि यहाँ पर जो डेटा टाइप है उसका कैर है, एंड कैर डेटा टाइप जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है 1 बाइट। ये जो 1 है ना, ये 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, ना कि 4 बाइट। तो ये तो होता है सिंपल स्टोर करने का तरीका। बस ध्यान आपको ये रखना है कि कुछ भी कैरेक्टर आप स्टोर करो, तो आपको उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही स्टोर करना पड़ेगा। नाउ लेट अस डू अ थिंग, डी नाम के वेरिएबल में मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दो तीन कैरेक्टर स्टोर कर दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक्सक्लेमेशन मार्क एट द रेट हैश, प्रिंट करके देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आएंगी। सबसे पहले तो मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ बी की वैल्यू, प्रिंट एफ कैरेक्टर स्टोर इन बी इज। बस यहाँ पर आप फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज करना पड़ेगा, परसेंटेज सी होता है यहाँ का फॉर्मेट स्पेसिफायर, कॉमा देकर वो वेरिएबल जो आपको प्रिंट करना है। उसके बाद यहाँ पर इसे सेमीकोलन मारो, सेव करो, एंड उसके बाद रन करो। कैरेक्टर स्टोर्ड इन बी इज एट द रेट। तो ये तो हो गया मेरा स्टोर करने का तरीका, एंड ये होता है प्रिंट करने का तरीका। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, चलो मैं यहाँ पर बी की जगह मैं प्रिंट करता हूँ डी। देखो यहाँ पर मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के में तीन अलग अलग टोकन बेसिकली स्टोर कर दिए। यहाँ पे ये जो टोकन होता है ये क्या होता है? टोकन का मतलब होता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल जैसे ये इंट एक टोकन हो गया, हैश एक टोकन हो गया, कुछ भी छोटा से छोटा यूनिट आपका टोकन कहलाता है। तो बट देखना यार, यहाँ पे ना मैंने तीन टोकन स्टोर कर दिए है ना, इवन स्पेस इज अ टोकन। अब देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होता है। देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हैश प्रिंट हुआ है ना। अगर आप कैर डेटा टाइप के अंदर तीन या चार टोकन स्टोर कर दोगे, तो फिर वो सिर्फ लास्ट वाला ही टोकन कंसिडर करेगा एंड सिर्फ उसको ही प्रिंट करेगा। इवन अगर मैं यहाँ पर एक दो टोकन और दे दूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से एंड दे दिया, स्टार दे दिया है ना, अब सिर्फ स्टार प्रिंट होगा। देख लो, हाँ यहाँ पर आपको वार्निंग भी जरूर मिल जाएगी नीचे। ये देखो यहाँ पर स्टार प्रिंट हो रहा है ना, एंड ये देखो यहाँ पर नीचे वार्निंग मिल रही है ना, ओवरफ्लो इन इम्प्लिसिट कॉन्स्टेंट कन्वर्जन। इसका मतलब होता है कि भाई सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको बेसिकली एक टोकन स्टोर करना है, एंड आपने कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा स्टोर कर दिया। बट डू रिमेंबर, जैसे यहाँ पर ये तो एक दो तीन चार पाँच टोकन है हमारे पास है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर बार चीज़ें अगर आपको पाँच दिखें तो फिर वो पाँच टोकन है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से लाइक दिस बैक स्लैश एन, ये हो सकता है आपको लगेगा कि दो टोकन है। नहीं भाई, ये बैक स्लैश एन एन, ये जब भी दोनों साथ में आएंगे दे आर कंसिडर्ड एज अ सिंगल टोकन। अगर इवन इनके बीच में एक स्पेस आ गया तो फिर ये तीन अलग अलग टोकन हो जाएंगे। कैसे? ये बैक स्लैश एक अलग टोकन कंसिडर किया जाएगा, ये स्पेस एक अलग टोकन कंसिडर किया जाएगा, ये एन एक अलग टोकन कंसिडर किया जाएगा। बट जब तक इनके बीच में कुछ आ नहीं रहा है, वेन एवर दीज टू थिंग्स कम टुगेदर लाइक दो जिसमें एक जान, दिस इज कंसिडर्ड अ सिंगल टोकन, ठीक है ना। तो ये तो होता है टोकन को प्रिंट करने का तरीका एंड उन्हें स्टोर कैसे करते हैं। चलो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो तीन कैरेक्टर स्टोर करना था, तो मैंने तीन वेरिएबल फटाफट ले लिया। बट व्हाट इफ मुझे 100 कैरेक्टर ऐसे स्टोर करना होता, तो क्या मैं 100 अलग अलग कैरेक्टर्स लेता? शायद नहीं लेता है ना। देर इज़ अ गुड वे, आप क्या करते, आप कुछ ऐसा लिखते कैर, एक वेरिएबल ले लो है ना जिसमें आपको स्टोर करना है सारी चीज़ें। चलो मैं ch नाम का एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ, ठीक है। ch इज जस्ट अ वेरिएबल जहाँ पे मैं सारी चीज़ें स्टोर करना चाह रहा हूँ। एंड आपको कितने कैरेक्टर्स स्टोर करना है, जितने भी कैरेक्टर स्टोर करने हैं आप यहाँ पे ऐसे लिख दो। फॉर एग्जांपल मुझे 100 कैरेक्टर अगर स्टोर करने होते, तो फिर मैं यहाँ पर ch ऑफ 100 लिखता है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, उसके बाद इज इक्वल टू लिखो, उसके बाद ऐसा सेकंड ब्रैकेट दो, एंड इसके बाद अब इसके अंदर आप अपने कैरेक्टर स्टोर करना चालू कर दो। बट ध्यान रखना, जो भी कैरेक्टर स्टोर करोगे दैट शुड ऑल कम अंडर विद इन अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ एट द रेट, मैं यहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ लेट्स से डॉलर, मैं यहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ लेट्स से ओके, मैंने यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया, मैं यहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ लेट्स से 1। ओके, ऐसे करके आप कितने भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, बैक स्लैश एन भी स्टोर कर लेते हैं, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर स्टोर करना चाहता हूँ बैक स्लैश 0। तो देखो मैंने यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स स्टोर कर लिए, ठीक है ना, यहाँ पर कॉमा होगा। तो एक काम करते हैं, इसको 100 नहीं 7 कर देते, 100 लिखते लिखते रात हो जाएगा, ठीक। ये होता है स्टोर करने का तरीका। इसको एक एग्जांपल से समझे, बेटर एग्जांपल से। चलो देखो, आप इसे समझ सकते हो कि एक बिल्डिंग में 7-8 लोग रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि आपको आपके पास 7 लोग आए, बोले कि यार मुझे जगह दे दो। 7 लोग कौन कौन है? एट द रेट है, हैश है, डॉलर है, ऐसे 7-8 लोग आए आपको बोले कि यार मुझे जगह दे दो, तो आप क्या करोगे? या फिर बेसिकली एक ऐसे आप ऐसा सोच सकते हो कि ये लोग कैसे रहेंगे, एक बिल्डिंग में रहेंगे,
फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके की बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग का नाम होगा यहाँ पर मान लो ABC, है ना। एंड बिल्डिंग में कुछ फ्लोर्स भी होते हैं, है ना। अब ये फ्लोर की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? ये होता है जीरोथ फ्लोर, ये होता है फर्स्ट, ये होता है हमारा सेकेंड फ्लोर, कुछ इसी तरीके से जाता है। जीरो फ्लोर में आप क्या करोगे कि ये एट द रेट को उठा के डाल दोगे, यहाँ पर आपने डाल दिया हैश, ऐसे करके आपने स्टोर कर दिया। सिमिलर टू दिस स्ट्रक्चर कैरेक्टर भी स्टोर होता है इन प्रोग्रामिंग। कैसे स्टोर होता है देखो, वेन एवर यू राइट कैर CH5, है ना, तो कंपाइलर क्या करता है पता है? कंपाइलर क्या करेगा, आपको 5 मेमोरी दे देगा, ठीक है। एंड कलेक्टिवली उनका नाम रहेगा CH, कलेक्टिवली नाम रहेगा CH। इसका मतलब कि यहाँ पर ऐसे 5 छोटे छोटे ब्लॉक रहेंगे, 1 2 3 4 5, जैसे इस बिल्डिंग में देखो ना ऐसे 4 अलग अलग फ्लोर हैं, बट कलेक्टिवली इस बिल्डिंग का नाम क्या है, ABC, है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको 5 छोटे छोटे ब्लॉक्स दे दिए जाएंगे, इनका कलेक्टिवली नाम होगा CH। हाँ, हर एक ब्लॉक को रेफर करने का एक अलग सा तरीका है। अब आप जब लिखते हो ना इसके अंदर कैर CH5 इज इक्वल टू कुछ ऐसा $1, तो क्या होगा, ये ए है, मैंने यहाँ पर एट द रेट बोला था इसके पहले, ये जो ए है वो जाके पहले ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा, ये जो डॉलर है ये दूसरे ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा, है ना, ये जो वन है ये इधर ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा। अगर मान लो आपने वहाँ पे कुछ और सिंबल भी डाला होता, फॉर एग्जांपल लेट्स से एट द रेट डाला होता, तो फिर वो यहाँ स्टोर हो जाता, 2 डाला होता तो फिर यहाँ पे स्टोर हो जाता, कुछ इस तरीके से स्टोर होता। बट देखो मैंने बोला ना कि सिमिलर टू अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर ये स्टोर होगा, अब इसमें सिमिलैरिटी कहाँ आती है पता है? देखो बिल्डिंग का जो काउंटिंग होता है, बिल्डिंग का जो फ्लोर का काउंटिंग होता है, वो हमेशा जीरो फ्लोर से स्टार्ट होता है ना। यहाँ का भी मान लो ये छोटे छोटे फ्लोर्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पर भी जो काउंटिंग होगी वो जीरो से स्टार्ट होगी। कहने का मतलब कि ये जो ब्लॉक है ना जिसमें मैंने ए स्टोर कर रखा है, दिस इज नॉट द फर्स्ट ब्लॉक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काउंटिंग जो है 1 से स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। काउंटिंग मतलब इन सब ये स्टोर करते वक्त काउंटिंग जो है 1 से स्टार्ट नहीं होगी, काउंटिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। दिस इज द जीरोथ ब्लॉक, बेसिकली दिस इज द इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? पोजीशन। तो ए किस पोजीशन पे स्टोर्ड है? जीरोथ पोजीशन पे। डॉलर किस पोजीशन पे स्टोर्ड है? फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। फर्स्ट ये 1 किस पोजीशन पे स्टोर्ड है? सेकंड पोजीशन। एट द रेट किस पोजीशन पे स्टोर्ड है? थर्ड पोजीशन पे। कहने का मतलब कि आप इसको फर्स्ट ब्लॉक नहीं बुलाओगे ए को, आप बोलोगे कि ये ए जो है ये है जीरोथ ब्लॉक, डॉलर जो है फर्स्ट ब्लॉक, इवन जो है वो सेकंड ब्लॉक में स्टोर हो रखा है, एंड एट द रेट थर्ड ब्लॉक में स्टोर हो रखा है। अब इसको रेफर कैसे करेंगे? देखो इसको रेफर करने का भी तरीका होता है। जैसे आपके एक बिल्डिंग में कोई आपसे पूछे कि यार ये एट द रेट रहता कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? वो रहता है CH बिल्डिंग में, वो रहता है मान लो ये बिल्डिंग का नाम है यार CH फॉर द टाइम बिंग, तो वो बोलोगे आप CH के जीरोथ फ्लोर पे रहता है वो, है कि नहीं? एकदम एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही काम करेंगे। कंपाइलर ने आपको 5 ब्लॉक दे रखा है जिसमें आपने सारे अपने कैरेक्टर्स स्टोर कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे स्टोर कर रखा है एट द रेट डॉलर हैश 1 और वट एवर ए, ऐसा करके, है ना। तो ये ए जो है वो मैंने बताया कि जीरोथ ब्लॉक पे। अब इसको रेफर कैसे करेंगे? अब इसको रेफर करने का तरीका ये है कि आपकी जो मेमोरी का नाम है वो लिखो। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कलेक्टिवली इन मेमोरी का नाम है CH, तो CH लिखो। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में ऑफकोर्स थर्ड ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, है ना। ब्रैकेट के अंदर अगर मैं 0 लिखूँ तो बेसिकली आई एम पॉइंटिंग टू दिस एट द रेट। अगर मैं CH ऑफ 3 लिखूँ तो बेसिकली ये होता है 0 1 2 3, ये 1 की ओर मैं पॉइंट कर रहा हूँ। CH ऑफ 3 इज पॉइंटिंग टू दिस 1, ठीक है। CH ऑफ 3 डजन पॉइंट टू हैश, पहले बता देना। तो अगर आपको रेफर करना है तो आप उनको ब्लॉक के नंबर से रेफर करोगे, पोजिशन से रेफर किया जाता है, ठीक है। पोजिशन एज इन की एट द रेट 0 पोजिशन पे। अब इसको जल्दी से कोडिंग वाइज देख लेते हैं, तब आपके दिमाग में ज़्यादा घुसेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी सिमिलरली एट द रेट जो है वो जीरोथ ब्लॉक में स्टोर हो रखा है, हैश डॉलर जो है वो फर्स्ट ब्लॉक में, वन जो है वो सेकंड ब्लॉक में। चलो जल्दी से इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ, फॉर एग्जांपल मुझे एट द रेट प्रिंट करना है, तो एट द रेट किस ब्लॉक पे लाई कर रहा है? जीरोथ ब्लॉक पे। मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर परसेंटेज सी, ऑब्वियसली क्योंकि कैरेक्टर प्रिंट कर रहा हूँ, कॉमा दो, एंड उसके बाद आप लिख दो CH of 0। CH of 0 बेसिकली रेफर्स टू द जीरोथ ब्लॉक। व्हाट इज द कैरेक्टर इन द जीरोथ ब्लॉक? इट इज एट द रेट। तो अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया ना एट द रेट। तो याद रखना जीरो मतलब जो कैरेक्टर होता है ना वो उनको इंडेक्सिंग से रेफर किया जाता है। ये जो बैक स्लैश 0 है ना इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं नल कैरेक्टर, इसको हम लोग न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं, ये जो बैक स्लैश n है, ठीक है। चलो इसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ नल कैरेक्टर। तो नल कैरेक्टर का इंडेक्स क्या है? नल कैरेक्टर का इंडेक्स है 0 1 2 3 4th। नल कैरेक्टर जो है वो फोर्थ इंडेक्स पर लाइक कर रहा है, ठीक है। काम करता हूँ मैं इसके बाद सेकंड वाला कैरेक्टर प्रिंट करता हूँ, ठीक है। सेकंड वाला कैरेक्टर की एज इन की जो सेकंड इंडेक्स पर लाइक कर रहा है, उसके बाद कॉमा देके CH of 2 लिखना पड़ेगा मुझे, राइट। अब देखो यहाँ पर प्रिंट क्या क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, एट द रेट प्रिंट हुआ है, उसके बाद एक स्पेस आ गया, उसके बाद ये 1 आ गया। ये स्पेस क्यों प्रिंट हुआ? बेसिकली ये स्पेस कहाँ से प्रिंट हो गया? आना तो चाहिए था बैक स्लैश 0, नहीं।
बैकस्लैश जीरो एक नल कैरेक्टर, जैसे नई लाइन के लिए आपको नई लाइन मिल जाती है ना, कोई वहाँ पे कुछ दिखता थोड़ी ना, है ना, तो उसी तरह यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो गया। नल कैरेक्टर यानी कि नल, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा यार वहाँ पे तो एक खाली स्पेस होगा ना। देखो पहले तो सी एच ऑफ जीरो प्रिंट हुआ है, फिर सी एच ऑफ फोर प्रिंट हुआ है, सी एच ऑफ टू प्रिंट हुआ है यहाँ पर पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर आपको न्यू लाइन कैरेक्टर विजुलाइज कराऊँ, तो न्यू लाइन कैरेक्टर कैसे विजुलाइज होगा, आपको यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर का ब्लॉक लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर सी एच ऑफ थ्री लिख दूँ तो फिर ये प्रिंट हो जाना चाहिए, एकदम सही हुआ, जीरो हुआ है एंड उसके बाद वन उसके ठीक नीचे हुआ है। इसको थोड़ा विजुलाइज़ करते हैं कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली। हाँ देखो मैंने एक नया एग्जांपल ले लिया, ठीक है, मैंने सी एच नाम के वेरिएबल में तीन मेमोरी मांगी है कंपाइलर से, जहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ एट द रेट बैक स्लैश एन और ये डॉलर, ठीक है ना। ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि जब भी आप प्रिंट एफ लिखते हो तो कंपाइलर करता क्या है कि सबसे पहले ना परसेंटेज सी के करस्पॉन्डिंग उसे क्या प्रिंट करना है, सी एच ऑफ जीरो प्रिंट करना है। तो कंपाइलर ऐसा समझेगा कि मुझे प्रिंट करना है सी एच ऑफ जीरो, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि वैल्यू रिप्लेस कर दो, ठीक है। फिर उसे नेक्स्ट लाइन में कमांड क्या मिल रहा है, मुझे प्रिंट करना है सी एच ऑफ टू, ठीक है। फिर उसे कमांड में क्या मिल रहा है, मुझे प्रिंट करना है सी एच ऑफ फोर, ठीक है। ऐसे परसेंटेज सी में वैल्यू रिप्लेस कर दो, एंड जब आप वैल्यू रिप्लेस करें तो डू अ थिंग, सी एच ऑफ जीरो की वैल्यू डाल देते हैं वहाँ पर, है ना। अब सी एच ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है भाई, सी एच ऑफ जीरो की वैल्यू है एट द रेट, उसके बाद है बैक स्लैश एन, उसके बाद है डॉलर, ठीक है। तो कंपाइलर को इतने मैसेजेस दिख गए कि मुझे ये प्रिंट करना है, ठीक है। तो फिर अब आउटपुट स्क्रीन में क्या होगा, सबसे पहले उसे क्या मिला, एट द रेट, तो वो एट द रेट प्रिंट कर दिया सबसे पहले तो, ठीक है ना। देखो अभी उसका कर्सर यहाँ पर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट कमांड उसे क्या मिल रहा है, नेक्स्ट कमांड उसे मिल रहा है भाई प्रिंट बैक स्लैश एन। तो बैक स्लैश एन जब भी साथ में आता है ना, तो फिर वो चुपचाप अपना कर्सर को नीचे भेज देगा, ठीक है। तो उसका कर्सर यहाँ आ जाएगा, तो ये प्रिंट हो गया। बस बैक स्लैश एन का काम यही होता है कि वो नीचे चला जाए कर्सर, ठीक है। उसके बाद अब वो थर्ड लाइन पर आ जाएगा। अब थर्ड लाइन पर क्या प्रिंट करना है उसे, डॉलर। तो उसका कर्सर कहाँ आ चुका है, इस लाइन पर आ चुका है, एंड वो डॉलर ऐसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो दिस वॉज द रीज़न कि पहले जीरो कैरेक्टर आया, फिर बैक स्लैश एन आया, बैक स्लैश एन की यानी न्यू लाइन, उसके बाद सी एच ऑफ टू आया, वन प्रिंट हुआ, ठीक है। रन करके देख लो एक बार, देखो यहाँ पर हुआ ना 0.1। तो ये तो था हमारा भाई प्रिंट करने का तरीका। अगर आपको स्कैनर से लेना है तो सबसे पहले तो आपको एक मेमोरी लेनी पड़ेगी, ए नाम की मेमोरी मैंने ले ली। एंड आपको मैं एक बहुत ही अच्छी मिस्टेक यहाँ पे विजुलाइज कराऊंगा कि जो स्टूडेंट्स अक्सर कर देते हैं, एंड कुछ नहीं करना यार, सिंपल है, स्कैनर लिखो, ऑब्वियसली जहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या हो जाएगा, परसेंटेज सी, एंड उसके बाद आपको कॉमा देके वो वेरिएबल लिखना पड़ेगा, बस एंड लगा देना बीच में। एक मेमोरी में कहीं एड्रेस बना होगा, तो एंड क्या करता है कि वो वेरिएबल को उठा के एक डायरेक्ट एड्रेस पे भेज देगा, जस्ट लाइक अ पोस्टमैन। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एफ द कैरेक्टर एंटर्ड इज, के बाद यहाँ पर मैं दूंगा परसेंटेज सी, एंड उसके बाद मुझे वो वेरिएबल दे देना चाहिए जो मुझे प्रिंट करना है, राइट। सो कॉमा देकर के मैंने डाला ए, एंड काम करे क्या, यहाँ पर पहला मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ एंटर एनी कैरेक्टर, राइट। यहाँ पर बैक स्लैश एन दे देना सही रहेगा, एंटर एनी कैरेक्टर बहुत ही क्लियर आंसर मांग रहा है हमसे। लेट्स से आई वांट टू स्टोर डी, मैंने डी दिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इग्नोर करना, द कैरेक्टर एंटर्ड इज डी, तो फिर यहाँ पर डी स्टोर हो गया हमारे पास, बहुत सही। अब मैं क्या करूँगा, एक और कैरेक्टर लूँगा बी, एंड मैं एक और बार स्कैन एफ लूँगा, ठीक है, एक और बार ही स्कैन एफ लेते हैं मैं, ऊपर में डायरेक्ट लिखा जा सकते हैं, एंड चलो यहाँ पर भी सेम चीज़ ही प्रिंट कर देंगे, द कैरेक्टर एंटर्ड इज बी, ठीक है। एंड बिफोर प्रिंटिंग दिस लेट अस से कि भाई यहाँ पर एंटर सेकंड कैरेक्टर, ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं द कैरेक्टर स्टोर्ड इन बी इज। अब यहाँ पर मुझे बस बी चेंज करना है, बैक स्लैश एन ऐड कर दिया जिससे कि नई नई लाइन में प्रिंट हो, चलो देखते हैं होगा क्या। यहाँ पर एंटर एनी कैरेक्टर, कैरेक्टर मांग रहा है, लेट्स से आई एम स्टोरिंग एट द रेट। अब देखो मैं जैसे ही एंटर दबाऊं तो होना क्या चाहिए कि ये मुझे नया एक कैरेक्टर एंटर करने का मौका देना चाहिए, है कि नहीं, लेकिन देखो होगा क्या। मैंने जैसे ही एंटर दबाया इसने फाइनल मैसेज प्रिंट किया, द कैरेक्टर एंटर्ड इज एट द रेट, उसके बाद इसने प्रिंट किया एंटर सेकंड कैरेक्टर, और सेकंड कैरेक्टर स्टोर करने का मौका ही नहीं दिया इसने, है ना। उसके बाद प्रिंट कर दिया द एंटर कैरेक्टर इन बी इज, और वहाँ पे कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रहा, खाली है वो, है ना। ये क्यों, ये अजीब नहीं लग रहा आपको, क्या प्रोग्राम वाइज कुछ गलती है, हमने कुछ एरर कर रखा, मैंने एक बहुत बड़ा एरर कर रखा है, बट कोड वाइज कोई गलती नहीं है, कोड वाइज एज इन की कोई सिंटैक्स का एरर नहीं है। अगर आपको ये नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो एक काम करता हूँ, मैं नई फाइल लेता हूँ, अब इसमें मैं आपको दो इंटीजर स्टोर करके दिखाता हूँ, राइट। कंट्रोल ए, कुछ नहीं यहाँ पे करना है, कंट्रोल वी, एंड बस ये कैर को ना आप इंट कर दो, ठीक है, एंड उसके बाद कैरेक्टर के बजे इंटीजर कर दो, एंड यहाँ पर परसेंटेज सी के बदले आएगा डी। देखो तो फिर मैंने इसे कर लिया सेव, एंड मैंने कुछ खास नहीं किया, बस खाली कैर को जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ इंट कर दिया, एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑब्वियसली चेंज कर दिया, बस दैट्स इट। चलो इसे रन करके देखते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा था। एंटर एनी इंटीजर, लेट्स से आई एम एंटरिंग 12 दे दिया। अब उसके बाद क्या करोगे, आप एंटर मारोगे तो ये क्लियरली मुझसे बोल रहा है कि एंटर सेकंड इंटीजर, एंड ये मुझे इंटीजर एंटर करने का मौका दे रहा है, लेट्स से आई एम एंटरिंग 15, है ना। अब मैं एंटर मारूंगा तब भाई साहब यहाँ पे जाके प्रिंट होगा द इंटीजर स्टोर्ड इन बी इज 15। ये चीज़ कैरेक्टर में तो नहीं हुआ यार, आप चाहो तो यहाँ पे देखो सेम ही तो प्रोग्राम है, बस खाली मैंने रिप्लेस ही किया है चीज़ें को,
ये देखो एंटर एनी कैरेक्टर, मैंने फॉर एग्जांपल स्टोर किया हैश, है ना, उसके बाद मैं एंटर मारूंगा, मुझे एंटर करने का मौका ही नहीं दे रहा, सेकंड कैरेक्टर के ये मुझे इनपुट ही नहीं लेने दे रहा, कोई आइडिया क्यों? द रीज़न इज कि जब आप एंटर मार रहे हो तब हो क्या रहा है पता है? देखो एग्जैक्टली आपने यही कोड लिखा है, मैंने बस वो प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट हटा दिया कि वो एंटर एनी फर्स्ट कैरेक्टर, एंड मैंने ऊपर में मेमोरी नहीं मांगी, बेसिकली यही हो रहा है कि स्कैनर से आप पहला कैरेक्टर एंटर ले रहे हो ए, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर ले रहे हो बी। अब देखो हो क्या रहा है, कंसिडर दैट आई एम एंटरिंग एट द रेट, इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद आप करोगे भैया एंटर मारोगे परसेंटेज, जब यहाँ पे इंटीजर इनपुट करना था तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, मैं 10 दबा रहा था, मैं 10 दे रहा था, उसके बाद मैं एंटर दबा रहा था, तभी तो मुझे नया मौका आ रहा था 20 देने का, है ना। तो सिमिलरली आप यहाँ पे एंटर मारोगे ताकि आपको मौका मिले दूसरा कैरेक्टर एंटर करने का, बट यार ये तो हुआ ही नहीं, इसने मौका दिया ही नहीं, है ना। द रीज़न बिहाइंड, पहले एक काम करते हैं, ए में एक मेमोरी बना लेते हैं, ये ए वाली, ये ए कैरेक्टर का मेमोरी है, ये बी कैरेक्टर का मेमोरी है ना। जब आपने एट द रेट यहाँ पर एंटर किया तो ए में तो बहुत अच्छे से एट द रेट स्टोर हो जाएगा, बहुत सही। इसके बाद आपने ना एंटर मार दिया, देखो एंटर का मतलब क्या होता है भैया, एंटर का मतलब होता है बैक स्लैश एन, बिहाइंड द सीन्स एंटर इज डिकोडेड एज बैक स्लैश एन, तो बी में क्या स्टोर हो गया, बैक स्लैश एन, ठीक है, तो दो कैरेक्टर तो स्टोर हो गए, अब ये तीसरा आपको मौका क्यों दें? तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो रहा था कैरेक्टर स्टोर्ड इन ए इज, मतलब एट द रेट यहाँ पे हो जा रहा था, एंड यहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा शायद, यहाँ पर बी की जगह एक बैक स्लैश एन तो दिखेगा नहीं आपको, एक नई लाइन आ जा रही थी। चलो देखो इसको रन जब मैं कराऊँ तो ये देखो एंटर एनी कैरेक्टर, ये मुझसे कैरेक्टर मांग रहे, लेट्स से आई एम एंटरिंग टी, ठीक है। अब देखो जब मैंने एंटर मारा तो टी तो जाके स्टोर हो गया ए में, जब मैं एंटर मारूंगा तो ये एंटर मतलब क्या, बैक स्लैश एन हुआ ना बिहाइंड द सीन, सोचो यार एंटर कैसे डिकोड होता है, एंटर इज डिकोडेड एज बैक स्लैश एन, तो बी में क्या स्टोर हो गया पता है, बैक स्लैश एन स्टोर हो गया, एंड ये देखो नई लाइन भी प्रिंट हुई है यहाँ पर, ठीक है। चलो अच्छा से सही से समझा दो कि नई लाइन प्रिंट हुई है, व्हाट आई एम डूइंग इज मैं यहाँ पर प्रिंट कर दे रहा हूँ 1 2 3, अब ये 1 2 3 आना कहाँ चाहिए, देखो एंटर एनी कैरेक्टर, लेट्स से आई एम एंटरिंग एच, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, ये 1 2 3 प्रिंट हो गया नया लाइन में, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर एक नई लाइन प्रिंट हुई है, इसका मतलब कि बी में क्या स्टोर हो गया पता है, बी में स्टोर हो गया बैक स्लैश एन। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे दो बार मतलब स्कैनएफ लिख देते हैं कैरेक्टर इनपुट लेते समय, एंड स्कैनएफ क्या करता है कि वो जब आप एंटर प्रेस करो ना उसे भी इनपुट ले लेता है। तो इसका सलूशन क्या है, इसका कुछ ना कुछ तो सलूशन होगा। देखो ये चीज़ आपको इंटीजर वगैरह में नहीं दिखेगा, क्योंकि जब आप एंटर मारते हो तो एंटर वहाँ पर भी डिकोड होता है बैक स्लैश एन, बट वो जाके बी में स्टोर नहीं हो जाता, क्यों, क्योंकि बी में इंटीजर स्टोर होना है, बैक स्लैश एन इज नॉट अ इंटीजर, वो तो कैरेक्टर है, तो फिर यहाँ पर बी में मतलब बैक स्लैश एन स्टोर ही नहीं होता। सलूशन के पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर मैं ऐसा करता कुछ, ये देखो एंटर एनी कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल मैंने आर एंटर किया, अब मैं बिना एंटर मतलब बिना एंटर प्रेस किए मैं यहाँ पर वाई स्टोर कर देता हूँ, है ना, तो अब देखना क्या होगा, अब मैं एंटर प्रेस करूँ तो अब क्या होगा, कैरेक्टर स्टोर्ड इन मतलब पहला मैं आर स्टोर हो गया, दूसरा मैं वाई स्टोर हो गया, एंड देखो ये 1 2 3 जो है ना वो इसी लाइन में आ गया, इसका मतलब क्या होता है कि बी में अब एंटर स्टोर नहीं हुआ, बी में क्या स्टोर हो रखा है, वाई स्टोर हो रखा है, ठीक है। चलो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, देखो आप क्या चाह रहे थे कि आर के बाद आप एंटर प्रेस करो, एंटर डिकोड होकर बैक स्लैश एन होकर बी में ना स्टोर हो, है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि परसेंटेज सी यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिख दो परसेंटेज स्टार सी, मतलब परसेंटेज सी तो लिखो ही लिखो, उसके बाद आपको लिख देना परसेंटेज स्टार सी, ठीक है। इसे मैं अभी समझा देता हूँ, बट एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं सही से कि काम कर रहा है नहीं। देखो एंटर एनी कैरेक्टर, मैंने एस किया, अब मैं एंटर दबा रहा हूँ, देखो ये मुझे मौका दे रहा है कि हाँ भाई तू दूसरा कैरेक्टर स्टोर कर दे, लेट्स से आई एम एंटरिंग 3, अब देखो द कैरेक्टर स्टोर्ड इन बी इज 3, एंड उसके बाद 1 2 3 तो यहाँ पर प्रिंट हुआ ही है ना। इसको मैं समझा देता हूँ कि ये हो क्या रहा है, बेसिकली दिस परसेंटेज स्टार सी डज व्हाट इज, ये जो नई लाइन जो आपने एंटर मारा ना तो बैक स्लैश एन जो स्टोर हो जा रहा था बी में वो उसको डिस्कार्ड कर देता है, बेटर तरीके से समझते हैं। देखो अब हो क्या रहा है, आपने यहाँ पर परसेंटेज सी मतलब पहला कैरेक्टर स्टोर किया है ना, इस लाइन में पहला कैरेक्टर स्टोर किया भैया आपने एट द रेट, ठीक है ना, तो यहाँ बी तो यहाँ ए में तो स्टोर हो गया एट द रेट, है ना। अब जब ये परसेंटेज स्टार सी नहीं था तो क्या हो रहा था, जब आप एंटर प्रेस कर रहे थे तो बी में क्या स्टोर हो जा रहा था, बैक स्लैश एन स्टोर हो जा रहा था। देखो यार आप एंटर प्रेस करते हो ना तो फिर वो बिहाइंड द सीन समझ लो, वो बैक स्लैश एन की तरह डिकोड होता है, ठीक है, वो बेसिकली कंप्यूटर कंपाइलर इसको एंटर नहीं समझता, कंपाइलर समझता है इसको बैक स्लैश एन आप दे रहे हो, ठीक है, तो फिर वो बी में क्या स्टोर कर देता है, यहाँ पर बी में स्टोर कर देता भैया बैक स्लैश एन, ठीक है। बट जब आपने लिख दिया परसेंटेज स्टार सी, ये जो एंटर यहाँ पर जो स्टोर हो गया ना यहाँ पर आके, तो इसको इस एंटर को ये डिस्कार्ड कर दे रहा है, मतलब इस एंटर को यहाँ इस मेमोरी से इरेज कर देगा, ठीक है। आप वहाँ पे एंटर ज़रूर प्रेस करोगे जो कि डिकोड होके यहाँ पर आएगा एज अ बैक स्लैश एन, बट वो बी से उस मेमोरी को हटा देगा, एंड उसके बाद आप जो भी यहाँ पर स्टोर करोगे परसेंटेज सी मतलब अब जो भी आप यहाँ पर वैल्यू दोगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने डॉलर दिया, ये डॉलर कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, बी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, देखो फिर से बता रहा हूँ कि बैक स्लैश एन जो स्टोर हुआ था परसेंटेज स्टार सी ने क्या किया, उसको डिस्कार्ड कर दिया, बी के मेमोरी से उसको एलिमिनेट कर दिया, बस वहाँ से हटा दिया उसने, बस इतना कुछ किया। तो ये परसेंटेज स्टार सी लगाना कब कब चाहिए,
तो आपको मान लो चार कैरेक्टर स्टोर करना है, तो आपको ऊपर के तीन में तो लगाना ही पड़ेगा परसेंटेज स्टार सीन, ठीक है। प्रिंट वन टू थ्री को हटाते हैं। लेट्स से मुझे यहाँ पर एक और देखो, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं परसेंटेज सी वाला पार्ट, एंड परसेंटेज यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक सी नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, है ना, एंड बस यहाँ पर सी में भी कुछ कैरेक्टर स्टोर कर दूंगा अभी। एंड देखो, क्योंकि मुझे बी के चाहिए, बी के बाद भी एक कैरेक्टर स्टोर करना, तो मुझे यहाँ पर भी परसेंटेज स्टार सी लगा देना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अभी मैं अगर कैरेक्टर स्टोर करूँ, अच्छा सी डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, कॉमा दे करके सी लिखो। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं, वरना समझ में नहीं आएगा। प्रिंट एफ एंटर द कैरेक्टर इन सी, ओके। बैक स्लैश एन डाल देते हैं, बैक स्लैश एन। प्रोग्राम बड़ा हो गया तो एक बार ऊपर से चेक कर लेते हैं, कैर ए बी सी है, एंटर एनी कैरेक्टर, उसके बाद ये ए के लिए है, द एंटर्ड कैरेक्टर इन ए इज, उसके बाद एंटर सेकेंड कैरेक्टर, फिर मैंने स्टोर कर रहा है एंड द कैरेक्टर स्टोर्ड इन बी इज इतना। उसके बाद ना मुझे यहाँ पे एक और मैसेज डिस्प्ले कर देना चाहिए, एंटर थर्ड कैरेक्टर, ठीक है। इससे क्या होगा कि आउटपुट स्क्रीन क्लियरली समझ में आएगा, हो क्या रहा है, ये चाहिए अर्ली थर्ड, उसके बाद द एंटर्ड कैरेक्टर, कैरेक्टर स्टोर्ड इन सी इज इतना, ठीक है, राइट। चलो अभी से रन करते हैं जल्दी से। एंटर एनी कैरेक्टर फर्स्ट एट द रेट स्टोर किया। अब ये मुझे देखो, एंटर प्रेस करने के बाद भी मुझे मौका दे रहा है कि भाई तू सेकंड कैरेक्टर स्टोर कर दे, तो फिर मैं सेवन स्टोर करूँगा। एंड उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ अगेन, एंड देखो ये फिर से मुझे थर्ड कैरेक्टर स्टोर करने का मौका दे रहा है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है, तो थर्ड कैरेक्टर, लेट्स से आई एम एंटरिंग वी, तो मुझे अब यहाँ पर द कैरेक्टर स्टोर्ड इन सी इज वी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो होता है भाई हमारा एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स अक्सर कर दिया करते हैं। एक और कॉमन मिस्टेक है यार, आप कभी भी एट द रेट के बाद ना, मतलब सॉरी परसेंटेज के बाद यहाँ पर आप स्पेस मत देना, यहाँ पर स्पेस वगैरह का बहुत झमेला होता है, ठीक है ना। परसेंटेज सी के बीच में अगर आप स्पेस वगैरह दे दोगे तो बहुत ही प्रॉब्लम कर देगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एंटर एनी कैरेक्टर, मैं एस स्टोर कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर क्योंकि मैंने स्पेस दे दिया था ना वहाँ पर, तो फिर ये एस ए में स्टोर ही नहीं हुआ है, ये सीधा मुझे सेकेंड कैरेक्टर मांग रहा है, एंड बी में ये इसने एस स्टोर कर दिया, ठीक है। वाई? बिकॉज यहाँ पर आपने स्पेस दे रखा था ना, तो ये बेसिकली ए में क्या स्टोर कर दिया पता है, स्पेस स्टोर कर दिया, ठीक है। कैसे पता है ए में स्पेस स्टोर कर दिया है? देखो अब मैं काम करता हूँ, द एंटर्ड कैरेक्टर इन ए इज दिस, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ वन, तो वन तो हिसाब से ए के जस्ट बाद प्रिंट होना चाहिए ना। देखो कैसे प्रिंट होगा, एंटर एनी कैरेक्टर, क्योंकि अब चलो मैं एस स्टोर करता हूँ, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, द कैरेक्टर एंटर्ड इन ए इज, एंड इज के बाद देखो यहाँ पर एक स्पेस आ जा रहा है, इनफैक्ट दो स्पेस आए हैं, क्योंकि यहाँ पर दो स्पेस है। देखो इज के बाद भी मैंने एक स्पेस डाल रखा है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर दो स्पेस आए हैं, एंड इसके बाद दो स्पेस आ गया, एंड उसके बाद देखो यहाँ पर ये वन प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ए में क्या स्टोर हो गया ना, ए में स्पेस स्टोर हो गया, एंड बी में चला गया ये एस, ठीक है। स्कैनएफ ने क्या किया कि स्पेस था ना, इसको उठा के ए में भर दिया। तो आप जो भी वेरिएबल दोगे, जो भी कैरेक्टर एंटर करोगे, अब वो जाके कहाँ सीधा स्टोर हो जाएगा, अब वो जाके सीधा स्टोर हो जाएगा बी में। तो ये दो कॉमन काफ़ी मिस्टेक है कि आप परसेंटेज के बीच में स्पेस वगैरह मत देना बिल्कुल भी, ठीक है। एंड दूसरा कॉमन मिस्टेक था जो कि स्टूडेंट्स अक्सर कर देते हैं, स्कैनएफ के जस्ट बाद स्कैनएफ लिखते हैं विदाउट राइटिंग परसेंटेज स्टार सी, एंड मैंने इसका सोल्यूशन भी बता दिया है। तो चलो, दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं कवर करूँगा स्ट्रिंग एंड उसके कुछ कॉमन मिस्टेक्स, ओके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।